21 अगस्त यानी आज झुंझुनू जिले में माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने कानून व्यवस्था को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही शराब की दुकानें भी बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगी। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमीलेयर के फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर ने 10 अधिकारियों को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है जो सुबह 8 बजे से हालात पर नजर रखेंगे। संघर्ष समिति की ओर से इस बंद को सफल बनाने के लिए 26 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग तहसीलों में बंद का आह्वान करेंगी। बंद की शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी और 12 बजे तक यह पूरे जिले में लागू रहेगा। इसके बाद जिले भर से लोग गांधी पार्क में एकत्रित होंगे, जहां से एक बड़ी रैली निकाली जाएगी जो रोड नंबर 1 होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। यहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बंद के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और CCTV कैमरों की मदद से पूरे जिले में निगरानी रखी जाएगी। संघर्ष समिति ने वॉलंटियर्स की नियुक्ति भी की है जो व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील करेंगे। जिला कलेक्टर ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन चिकित्सा सेवाएं, पेयजल आपूर्ति, शिक्षण संस्थाएं, सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवा, पेट्रोल पंप, विद्युत आपूर्ति और बैंक जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं बंद से मुक्त रहेंगी। यह दिन झुंझुनू के इतिहास में एक खास दिन के रूप में दर्ज हो सकता है, जहां कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इस बंद का असर और इसके परिणाम क्या होंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए जिले में हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। लोकल 18 के लिए झुंझुनू से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।